Good morning, dear students. In the previous video, we have studied certain types of functions. Now today we are going to study some more types of functions. This is the modulus function. The function f from R to R defined by fx equal to mod x. For each x belonging to R, it is called the modulus function. मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x रहेगी, एज इट इज रहेगी, और अगर x नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसका नेगेटिव लेंगे, इसलिए जब x नेगेटिव होगा तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ x हो जाएगी। जैसे अगर ये माइनस टू का मॉडुलस निकालना है तो माइनस ऑफ माइनस टू इट बिकम्स प्लस टू। और इसका जब ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का, इट इज़ अ वी शेप्ड ग्राफ विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। इफ इट इज मॉड एक्स देन द वर्टेक्स विल बी एट ओरिजिन। तो यहाँ टू पर भी फंक्शन की वैल्यू टू रहेगी, फोर पे फोर रहेगी, माइनस टू पे भी टू रहेगी, माइनस फोर पे फोर हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो जो ग्राफ होगा ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की साइड नहीं होगा, क्योंकि नीचे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जबकि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। मतलब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं x की, सब पर अगर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, 0 पे 0, और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं x की, उस पर फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 होगी। तो यहाँ पर इस केस में जो रेंज है फंक्शन की, इट इज़ हैविंग ओनली 3 एलिमेंट्स, दैट इज 1, 0 एंड माइनस 1, एंड द डोमेन इज R। तो जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, सो और 0 पे 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ ब्लैंक रखा है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं x की, सब पर फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 है, और एक्सेप्ट एट 0। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम R टू R, इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, x, such that x belongs to R, and what does it represent? It represents the value of the greatest integer less than or equal to x. x से छोटे जितने भी integers हैं, among them the greatest one is the value of it. So हम ये भी कह सकते हैं कि x के immediate left में, यहाँ लेफ्ट मोस्ट जो इंटीजर होगा, इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर होगा, दैट विल बी इट्स वैल्यू। और अगर ये खुद एक एक्स इंटीजर है तो इसकी वैल्यू वही हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1, 2, 3 या माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 या 0 है, तब इसकी वैल्यू वही रहेगी, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, माइनस 1 पे माइनस 1। अगर हमारा 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट है तो इंक्लूडिंग 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और माइनस 1 और 0 के बीच में कोई पॉइंट है तो, जैसे माइनस 1.5 है, माइनस 1.9 है, तो फंक्शन के वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस 1.5 या माइनस 1.9 या माइनस 1.1 कि इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है, इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो माइनस टू होगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू माइनस वन, माइनस टू हो जाएगी। और अगर ये जीरो और माइनस वन के बीच में कोई पॉइंट है, जैसे माइनस पॉइंट फाइव, माइनस पॉइंट नाइन, माइनस पॉइंट वन, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? माइनस वन, इसलिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन हो जाएगी। अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो 0 और 1 के बीच में तो 0 रहेगी फंक्शन की वैल्यू,
वन और टू के बीच में वन रहेगी, एक्सेप्टेड टू, टू पे टू हो जाएगी, और इसी तरह से जीरो और माइनस वन के बीच में फंक्शन की वैल्यू माइनस वन रहती है एक्सेप्ट एट जीरो। तो यहाँ हमने ब्लैंक सर्किल बनाया। तो ये स्टेप्स की तरह हमें दिख रहा है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस एंड डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फंक्शन है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो इस केस में किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सो इट इज अ फंक्शन एंड द डोमेन विल बी द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स दैट इज 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 एंड द रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इज 1 इन ईच केस, सो द रेंज इज 1। इन सेकेंड केस ऑल्सो नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, सो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन एंड द डोमेन इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड रेंज इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डोमेन इज 2 टू 14। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन थ्री वन फाइव टू फाइव। हेयर दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स दे आर हैविंग द सेम फर्स्ट एलिमेंट, इट मीन्स वन हैज़ टू डिफरेंट इमेजेस थ्री एंड फाइव, सो इट बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इन फंक्शन एवरी एलिमेंट शुड हैव द यूनिक इमेज, बट इन दिस केस वन इज हैविंग टू डिफरेंट इमेजेस सो इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। That's all for today. Thank you.